जय गुरु बंदे जय गुरु बंदे सति गुरु स्वामी जय गुरु बंदे सति गुरु स्वामी सदा झुकाई बुमा जय गुरु बंदे सति गुरु स्वामी सदा झुकाई बुमा दुखिया न उपार दया करी जय हो विंध्यवासिनी हंसवाहिनी विंध्यवासिनी हंसवाहिनी तेरा बीड़ा केता हंसवाहिनी विंध्यवासिनी तेरा बीड़ा के तार तोहरे दया से गाई बजाईला माई फेरी एक बेरी नजा महाकाल गिरिजापति महादेव त्रिपुरा निर्गुण सगुण तुम ही प्रभु तुझ में है सब संसार जयति जयति जय सारिदे मा वसुधायं बिनरेश जय जय है जवान जय किसान जय जय करुणावतारम संसार सारम
पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम विजयेंद्रारम पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम अच्छा भैया आज खालिसपुर की धरती पर चित्रपालगढ़ प्रतापगढ़ की धरती पर सबसे पहले इस धरती को नमन करते हुए सभी की स्वागत बा अभिनंदन बा जितने हमारे भैया बाबू लोग बैठे हैं हृदय सम्राट सूत्रागढ़ और पूजा योग्य मेरी माता सम्मान योग्य मेरी बहना एवं हमारे भाभी करधरार की छोटी छोटी बच्ची एक स्वर में स्वागत बा अभिनंदन बा जहां तक हमारा आवाज पहुंचाता सभी की स्वागत बा और बिरहा जगत की बड़े सुंदर गायक कलाकार सुंदरता जान मार रही है क्या बात है बिरहा जगत की बड़ी सुंदरता क्या बात है भाई सुंदर भी है बनाना पड़ता है हाँ बिरहा जगत की बड़ी सुंदर गायक कलाकार त्रिभुवन नाथ यादव छोटा इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर साहब हाँ रोल करत हुवन मालिक करे और फिल्म का शूटिंग होए हवलदार हवलदार बन जाए एक स्वर में स्वागत बा पूरी पार्टी के नमन बा बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत सुने के मिला वंदना से लेकर लोकगीत तक और अच्छी अच्छी बात सुने के मिला बहुत बढ़िया रही शुरुआत रही और आइए हम उसी धाम में चलते हैं जहां ये पूरा संसार झूमता है पूरा हिंदुस्तान झूमता है कोई भी इंसान भी शुभ कार्य शुरू करता है मेरा रिकॉर्ड छुआ था हां हो बूढ़ा माई रे अच्छा अच्छा पुरन की अम्मा हारे को बात करत हूं हां चुचिया ना भाई सिटी ना मारे हां सिटी मार करावा चाहे गवैया हो चाहे बजवैया हो चाहे पढ़वैया हो चाहे लिखवैया हो चाहे चढ़वैया हो चढ़वैया का मतलब गाड़ी को ड्राइवर जब स्टेयरिंग पे बैठा थी तो सबसे पहले केहू आप दुर्गा माई की पूजा करो थे केहू महाकाल की केहू बजरंग बली की तो ड्राइवर साहब लोग कहीं है माई हे माई जैसे चढ़ाता नहीं वैसे कात महीना बाद उतरी अगर भाड़ा पे भाड़ा लग जाए तो दो चार महीना भी लग सका था चीज खराब हो जाए कि हे माई हम जैसे चढ़ाता नहीं वैसे साझा के पार में अपने परिवार में लड़किया बच्चा में सही सलामत से उतरी यही से हम सब गवैया लोग हम सब कलाकार
स्वर की देवी माँ सरस्वती की पूजा पाठ विनती इबादत करते हैं और धरती पे बड़ा मान मिला सम्मान मिला। एक फोन में बात हुआ कि आप लोगों के कार्यक्रम करे के बाद कॉन्फ्रेंस में बात हुआ और अच्छा व्यवस्था रहे, बढ़िया मान मिला सम्मान मिला, हम सब बहुत खुश है। तो आई मार साहब चलिए लेकिन मजबूरी बा, मजबूरी के साथ साथ जरूरी बा, संकेत बा। कैसन मार साहब कौन वासी प्यार में धोखा खाया वासी, जब प्यार में धोखा खाए बा तो तमाम दवाई दुआ कराए से कोनो मतलब नहीं बा। एक दिन उवासी अपने दोस्त के पास गया और दोस्त से स्कूल बतिया बतावे कि देखा यार हम इतना दवाई कराए लेकिन कोनो मतलब नहीं निकला। वो दोस्त समझ गया और एक वैद्य के पास लिवा के गया। जब वैद्य से स्कूल बतिया बताए तो आशिक पहले सबसे अपन हाथ दिखाए, तो वैद्य जी कौन करो ये राम रे, इनके तो दूसर कुछ बीमारी रखे बा। तब वो आशिक बोल पड़ा, का बोल पड़ा, यह कहे नवजी यहाँ वैद्य क्या जाने यहाँ बैठ क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया इसी भाव में कहना बा, ऊंचे पर्वत पे मई मैहर वाली माँ का बसेरा बा, मई शारदा मई की बसेरा बा, उनके दरबार पे जे जाला वो कभी खाली वापस न आए। लेकिन यही भाव में कहना बा, कैसे है बोलावा था इस सोनवा कहा था कि ये मई जब जब हम तोहके दिल से फुकारी ला तब तब आपका आगमन जरूर भवा, लेकिन आज दिल से भूखा रहता हूं। कैसे यह कहे नजरिया फेरी ता जननी
फेर दा जननी दर पे आइल पुजारी बा अंतरा के भाव में कहना बा कैसन मर साहब कहे कि माई आपका हाथ आपको साया जिसके ऊपर पड़ जाता है उसका जीवन तारन तार हो जाता है। कहा गया कैसन दया दृष्टि परल जह पे बनल मूरख महाज्ञानी जगत सहारा जगत सहारा मेरी मैया बस तोहरा या भारी जिया जिया आवा भवानी आवा बस तोहरा या भारी बा क्या बात है जाओ नजर यहाँ फेर दा जननी सागर आपके चरणों में जो जाता है कलाकार से लेकर नहीं कोई भी व्यक्ति जाता है दिल से जो सच्चे मन से याद करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। कहना बा कैसन बहते हैं बाहा ज्ञानी के सागर सदा तोहरी चरनिया से या क्या बात है तू ही ना जो झोली भरे लू महा जगत सारा भिखारी बा जगत सारा भिखारी बा Yeah.
माई की वंदना चाहे एक लाइन हो चाहे दो लाइन हो, माई की वंदना कभी बंद नहीं होती है। लेकिन आखिरी भाव कहना बा कैसन भुदुल पंधारी गुरु गईले भुदुल परमाधुरी परम शुद्धे उमा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज हलामई प्रबंधक संत कुमार पटेल प्रधान जी 101 रुपए दे की सम्मान की ईश्वर मिश्र भैया लोगन के प्रणाम बा। माई की बदना हो गई ते बाबू हरे वाली करा। हाँ कुछ बजा के बा मार साहब संकेत कैलन सुकुमार यादव और ये परमाधुरी परम शुद्धे पंकुड़िया में गुथावा पुष्पहार साथ में 501 रुपए दे की सम्मान किए आप बड़े भैया शिव कुमार यादव। बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सबसे कल पंच के नमस्कार बा। और ये परम आदरणीय परम श्रद्धेय चाचा जी की ओर से हीरालाल यादव खालिसपुर की धरती से 51 रुपए दे के सम्मान के ईश्वर मिश्र भैया लोगन के प्रणाम बा। आई मार साहब संकेत कैलन कैसे परम आदरणीय परम श्रद्धे और यहां बड़े भैया शिव कुमार बड़े भैया जी की माता जी की तरफ से 101 रुपए दे की सम्मान करते हैं आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। भगवान करे आपका भंडार हमेशा भरा रहे।
हित्य मला बढ़िया संकेत कैसन मारसा सावन के महीना में कौन दुलाहिन अपने सन्यासी कहे गंगा जल भर के गेरुआ रंग साड़ी पहन के सोला सिंगार कई के एक बात कहे का कहे जना है कवरियन के पीछे जना है कवरियन के पीछे बलमा कोई फोटो ना खींचे जना है कवरियन के पीछे बलमा कोई फोटो ना खींचे खड़े रहे नाच मेरे पीछे बलमा कोई फोटो ना खींचे और एक बात कहे देखे वाले लोग दुलहिन बाड़ी अभी नाई नवेली दुलहिन बाड़ी अभी नाई नवेली भूल जा भीड़ भाड़ हो लठेला खेली भूल जा और ये परम आदरणीय परम श्रद्धेय आप बड़े भैया जी की ओर से संतोष कुमार यादव ग्राम बसौनापुर की धरती से एक क्या और पे देखिए सम्मान की एक शर्मिशा भैया लोगन के प्रणाम रखना ध्यान जरा नीचे परम स्वदेश संतोष कुमार मौर्या खालिदपुर की धरती से
राम कुमार मौर्य। आप बड़े भैया जी की ओर से 202 रुपए दे के सम्मान के ईश्वर मिश्र भैया लोग के प्रणाम बा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा और यहाँ बड़े भैया राजेश कारीगर रैया की धरती से 51 रुपए दे की सम्मान के ईश्वर मिश्र भैया लोग इनकी प्रणाम बा। पहुंचबे ना दादा छोटा है। परम आदरणीय परम श्रद्धे चाचा जी की ओर से सुंदर से पुष्पहार हीरा चाचा जी की ओर से 21 रुपए दे की सम्मान के ईश्वर मिश्र भैया लोग इनके प्रणाम बा। आई मार साहब हमके दिहला मारी कही दिहला दहिया के भारी हमके दिहला और ये परमादरी परम शुद्धे या बड़े भैया पप्पू टेंट वाले
खालिसपुर की धरती से 51 पे देखी सम्मान के ईश्वर मिश्रा भैया लगन के पड़ाम्बा बड़ा बढ़िया वहर से लोग ही सुने के मिला राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पिंड दान की है माई सीता बालू के लड्डू बनाई के राजा दशरथ के पिंड दान की है और गौ झूठ बोल गई पंडित झूठ बोल गए और परमादड़ी परमसुधे या बड़े भैया पप्पू टेंट वाले अच्छा लाखापुर की धरती से 51 पे देखी सम्मान के ईश्वर मिश्र भैया लोग इनकी प्रणाम्बा और ये परमादड़ी परमसुधे एनएस कॉन्वेंट स्कूल छितपालगढ़ की धरती से डायरेक्टर सत्यम शुक्ला आप बड़े भैया जी की ओर से 101 रुपए दे की सम्मान की ईश्वर मिश्र भैया लोग इनके प्रणाम्बा और ये संजय सवरिया झांकी ग्रुप डांस रैया की धरती से 21 रुपए दे की सम्मान की ईश्वर मिश्र भैया लोग इनके प्रणाम्बा ओ आई बड़ा बढ़िया बाहर से लोग गीत भाई समय भी ज्यादा हो गया आप सब विरह सुना बैठा हमन ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट की विरह फिर उसके बाद विरह का नंबर बाहर से आई मार साहब पसंद आई समझ में आई कहना बमार सब कोई से है और ये परमादड़ी परम शुद्ध है दिनेश यादव जय सिंह यादव खालिसपुर की धरती से 101 रुपए दे की सम्मान के ईश्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा कहना बा तो सुनाऊ अरे दोबारा लड़ाई चले करता कल पे भक्त भी सर बहे नयन से धार एक एक लाइन सुनाऊ लंका का विस्तार सुनाऊ लंका का विस्तार दोबारा लड़ाई चले करतार कल्पे भक्त विभीषण बहे नयन से धार कहना बामार सब गजल के भाव में कोई सन
कोई आशिक कहता है चाहे आशिक मासूका के प्रेम हो, चाहे दुल्हन दुल्हा का प्रेम हो, चाहे हीरो हीरोइन के प्रेम हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, चाहे ससुर पतोहु का प्रेम हो, हाँ प्रेम ही हाँ, हाँ लेकिन पाक होना चाहिए, हाँ प्रेम पाक होना चाहिए, ना पाक नहीं होना चाहिए, प्यार साफ होना चाहिए। आज के प्रेम तो पक्का आम एक तरह चूज जाता है, कहा ना बा आशिक कहता है वाह भूल से प्यार, भूल से प्यार करते सभी हैं, भूल से प्यार करते सभी हैं, प्यार का तो सिकलते नहीं है। नहीं है राह उल्फत पे राह उल्फत पे चलते हैं जो भी, राह उल्फत पे चलते हैं जो भी, दुनिया वालों से डरते नहीं है। कहानी वो समय कबाया भैया, जे समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिंडा उंडा पार के रावण का वध किए, शॉर्ट कट में कहानी, रावण का वध करके अपने अयोध्या वापस आए तो खुशहाली मनाई गई, दिवाली मनाई गई, बड़ा बढ़िया उनका राज तिलक हुआ। लेकिन ये भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज तिलक होने के बाद और ये परमादली परम सुधे संतोष कुमार यादव सोहन लाल यादव खालिसपुर की धरती से 51 रुपए दे के सम्मान के ईश्वर मिश्र भैया लोगन की प्रणाम। जब राज तिलक हुआ है भैया कुछ दिन के बाद लगभग 4-5 साल बीत गया, जब कुछ समय बीत गया तो एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सिंहासन पे बैठे हैं, अपने सिंहासन पे बैठे हैं और मंत्री का आदेश दिए कि जाओ मंत्री अपने नगर का खोज खबर लेकर आओ, हाल लेकर आओ, सब खुशहाल में तो है, हमारे अयोध्या के वासी एकदम कुशल में तो है, कोई दुखी तो नहीं है। बजरंग बली पहरेदारी करत हुवन कुछ क्षण के बाद खुशी का माहौल बा ये भैया, उसी खुशी के माहौल में लंका का राजा विभीषण, रावण के मरने के बाद लंका का राजा विभीषण जी बने, लंका का राजा विभीषण जी अपने परिवार सहित आंखों में आंसू लेकर अयोध्या जब आए आवाज लगाए कि हे प्रभु हे राम आप कहा हो, बजरंग बली पहरेदारी करत हुन गदा ली हुन कहन जय श्री राम, नजर पड़ी विभीषण जी के पास, अरे राम रे राम कौन, अरे विभीषण जी आप बड़े दुखी में हो, क्या बात है, किस बात की चिंता है। विभीषण जी
आंखों में आंसू लेके बजरंग बोली से कहे कि देखा हे हनुमान, हमें श्री राम से मिलना बा, संदेश उनके पहुंचवा दा। हनुमान जी संदेश लेकर गए श्री राम जी के पास। श्री राम जी जब कुलबतिया सुने कि विभीषण लंका का राजा दरवाजे पे खड़े ही भागते भागते गए, गले से लगा लिए। जब आंखों में आंसू देखे तो पूछ पड़े, क्या पूछ पड़े, भक्त विभीषण से यही पूछते हैं श्री राम, क्या पूछते हैं, क्यों बिलखते हो, क्यों बिलखते हो भक्त विभीषण, क्यों बिलखते हो भक्त विभीषण, क्या है कष्ट हमें तुम बताओ। क्या है कष्ट हमें तुम बताओ, हो रही भारी हो रही भारी मन में ये पीड़ा, हो रही भारी मन में ये शंका, अब यदि ना हमें तुम सताओ। लगा के कहने लगे कि अरे भक्त विभीषण, किस बात की टेंशन है, किस बात की चिंता है, आपकी आंखों में आंसू, आपका लंका का तो राजा है, बताइए क्या बात है। उस तो बोलो उसे। और समय विभीषण जी कहलन कि हे प्रभु, मैं अब लंका में दोबारा नहीं जाऊंगा। श्री राम इतनी बात जब विभीषण के सुन को न रे, लंका में दोबारा न जाइबा, कहे हम लंका में दोबारा न जाई, लंका में दोबारा हम न जाई, कहे लंका में दोबारा न जाइबा, का कारण से न जाइबा, कहे लंका के नगरी का हाल हमसे पूछा, हम बताई। ओ समय कैसे बताओ थी तेरी के भाव में, गिरानी आई मोरी नगरी, अरे गिरानी, हे गिरानी आई मोरी नगरी, कल पे भक्त विभीषण बहे नयन से पानी आई हो, पानी आई हो। हिरानी आई मोरी नगरी, विभीषण जी श्री राम से कहने लगे मैं लंका में दोबारा नहीं जाऊंगा। राम जी कहे का कारण बा, कवन दिक्कत बा, का परेशानी बा, श्री राम का दरबार लगा है, लेकिन हो समय हो तबा कहना बा। रघुराज समाज लगी एकते, जनता बटुरी रहली सगारी,
रघुराज समाज में आग लगी, रघुराज समाज में आग लगी है, हम कचाही टूटी झोपड़ी। और ये परमाधुरी परम शुद्धे छोटा भाई सुंदर से पुष्पहार देकर सम्मान के आयुष पीयूष 51 पे देखी सम्मान के ईश्वर में सबसे कल पंच के नमस्कार बा। बिरह में एक एक लाइन समझा, विभीषण जी श्री राम से कहो रघुराज समाज लगी एक दिन, रघुराज समाज लगी एक दिन, जनता बटुरी रहली सगरी, रघुराज सभा में विराज रहे, तब आई विभीषण अर्ज करी, राजीव लोचन करुणा सागर, कुछ सुन लीजिए विनती हमारी, रघुराज समाज में आग लगी है, हमका चाही टूटी झोपड़ी। विभीषण श्री राम से कहने लगे कि प्रभु मैं अब लंका में नहीं जाऊंगा, लंका में एक ऐसा वीर है जो लंका में रहना दुश्वार कर दिया है। श्री राम कोई कि याव न देखे कौन कौन है, कौन है वो बताओ विभीषण, कौन है वो? विभीषण जी कहे कि श्री राम ओका हमारे बड़का भैया रावण ही की समझा। कहा रावण, कहा रावण तो मर चुका है, कहा नहीं रावण को बाप हो, कहा के हा, कहा पहले समझाता हम लंका में ना जाए, इसी महल के सामने इसी अयोध्या के सामने एक टूटही झोपड़ी बनवाई दा। विभीषण कहा कि एक टूटही झोपड़ी बनवाई दा, हम अपने बीबी बच्चों के साथ गुजारा यहीं पर कर लेंगे, लेकिन लंका में दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन भैया वो समय श्री राम जी पूछे कि के हा, के कई लड़किया बा, कैसन बा? विभीषण जी श्री राम से कुल बताओ ही, का बताओ मार साहब, कोनो दुल्हन की पिया परदेश में है भैया, अब नई जवानी की दहलीज में दुल्हन कहे कहा है, और चढ़ा ली जवानी में, चढ़ा ली जवानी कैला सहार में, उठेला दरा दिया हियर में, उठेला दरा दिया हियर में, गत रह गए तहर में, उठेला दरा दिया हियर में, और ये परमाधुरी परम शुद्धे या बड़े भैया लालचंद भूतपूर्व प्रधान जी खालिदपुर की धरती से 101 रुपए दे की सम्मान किए, कहा गया अगर ऊपर भगवान है तो नीचे प्रधान है, तो बीच वाला सब झंडू हैं, वो कौन है काम की का है? राजा निकाल 50। लेकिन है भैया उस समय विभीषण श्री राम से बताओ का बताओ यही भाव में, कहा प्रभु जी हम बतावा था क्या कई लैका बाबू बा।
फेक दिहले बहन में आए दा भाई ल मुरना नक्षत्र में पैदा हुई जाए तो बाप अपने लड़का को मुंह नहीं देख सका। जब वो मूर नक्षत्र में पैदा हुआ उसे फेंक दिया गया जंगल में। जब जंगल में फेंक दिया गया उस जंगल में मौत का वा बहनवा में रो वही लड़का जी। कहा कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लड़का पैदा हुआ मूर नक्षत्र में और उसे फेंक दिया गया जंगल में। वही जंगल में फेंक दिया गया उसी जंगल में वो लड़का भूखा प्यासा तड़पता बिलखता रो रहा था। कोई पूछने वाला नहीं था। उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत लगाया। मधुमक्खियों ने छत लगाई। मधुमक्खियों ने दया करके पालन पोषण करके उस लड़कियों का जीवन दान दिया। वही मधु टपकाई टपकाई के सेम पालन आज लड़किया लगभग 12-13 वर्ष की हुई। और लड़किया का नाम का पड़े कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लड़किया जो पैदा भाव लड़किया के नाम रहे मुल्कासुर। मुल्कासुर पैदा भर हम सब मूड़े का रहन सब मूड़े का बा कैसे पैदा भाई बड़ी गति भाई होई। विधि का विधान रावण के देखा 10 चीज करहे लेकिन उस सब मूड़े का रहे। विधि का विधान के टाल नहीं सकत। पन्ने में जो लिखा है वो हो कर रहेगा। सब मूड़े का जब पैदा हुआ 12-13 वर्ष की उम्र रहे वो ब्रह्मा का तपस्या करने लगा। जब ब्रह्मा का तपस्या करने लगा विभीषण जी इतना ही बतिया बतान कि ब्रह्मा का तपस्या करे लाग तब राम कहन कि अरे ई मुल्कासुर है। ई मुल्कासुर है बजरंग बली के बुलाएं कहन है बजरंग बली। और राम को संदेश राम को ई संदेश बा जब भरत शत्रुधन लक्ष्मण की कह दा हो दाइन तो राम का मारे बिना दुई भाई काफी रही। रावण के मारे बिना सॉरी रावण के मारे बिना दोनों भाई काफी रहे। अब मुल्कासुर का मारे बदे क्रिया चार भाई चलो तैयारी करा। अब तैयारी जब बनावे लागी तैयार सीता उर्मिला मंडपी सुरकृति चार जनी के मेहरारू सोचा ही लागिन ओ दाइन तो 14 साल को बनवास रहे। राम से भिड़ी भिड़ा भा
रावण से भिड़ी भिड़ा भा राम रावण में भाई लड़ाई। कहा गया कि 70 पूत 72 नाती जेकरे घरे में दिया ना देखा अब केरी का हो था। तो उर्मिला सीता से एक बात कहो जब जाय लगे तो कैसे का कहो उर्मिला सीता से कहो कि ये दीदी ए दीदी सुना हमार बात सीता मुस्किया के कहे कि ये है उर्मिला हम कुल तोहार बात समझत है लेकिन दिल के बात अगर कहा कि चाहत हूँ तो कहा ध्यान से सुना सुना ध्यान से कैसे पिया भवनवा कब आई है ए दीदी कब आई है ए बहिनी कब आई है कहीं दीदी सुना पिया भवन मा कब आई कलपे चारी उनारी अंगनवा पिया भवन मा कब आई भवनवा कब आई है निहारत हुई महल अटारी पे चढ़ के लेकिन आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरी बांद्री सेना लेकर पुष्पक विमान पे बैठकर लंका पे दोबारा चढ़ाई करते हैं। विभीषण बोलते हैं कि श्री राम जी प्रभु जी पूरी बतिया सुने जाओ लेकिन उस समय मुल्कासुर का नाम सुनते ही मंत्र राम के एकदम क्रोध आ गया कोई किस्सा ला मुल्कासुर के तनी हिम्मत कि विभीषण को मार भगाबे पुष्पक विमान पे बैठकर पूरी बांद्री सेना चारों भुया उड़ान भर ली। अब जब आधी लंका में जो पहुंचे नगरी में तो मुल्कासुर तब सयान भरे है सयान हो भरे एकदम राम का फुकारत रहे हर राम लक्ष्मण और बजरंग बली तीनों जने का नाम ज्यादा फुका रहे तीनों जने का नाम काहे बरे राम रावण कुमारन कुंभकर्ण कुमारी लक्ष्मण मेघनाथ कुमारन बजरंग बली पूरी लंका जलाई के हन सुपंखक नकिये काटे रहे लक्ष्मण खुलो बदला लेवे खुआन रहे एकदम चौचक फुकारा था कि ये राम अपने आप का राम लगावा थवा ओए लक्ष्मण ए बजरंग बली। अब बजरंग बली जब अपन नाम सुने तो कहे जय श्री राम हाँ प्रभु अगर आज्ञा दे दे तो हम ये गदा सुन के हम मुंह खून डाई लक्ष्मण कहा भैया अगर आपकी आज्ञा हो एक ही बाण में मैं मार गिरा हूँ बाण हो कहा भैया
लक्ष्मण वादा कर रहा है कि मुल्कासुर का तब मार गिराई दे। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मन मन में मुस्कियात हैं, कहें लक्ष्मण सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। पहुंचो तो मैदान में पहुंचो पहले। पुष्पक विमान जब नीचे उतरा पूरी बांदी सेना हर हर महादेव कोई के टूट पड़ी। अब मुल्कासुर एकदम लंबा चौड़ा एकदम सब मुड़े का जवनी तरफ ठट्ठा मार के हंसा तहार के हंसा पूरा ब्रह्मांड कांप उठता था। अब यार राम तो अपन देखते हैं लक्ष्मण बाण चढ़ाएं मुल्कासुर मुल्कासुर तोहरे बाजुओं में इतना ताकत हो, तोहरे पास इतनी शक्ति हो, तो लक्ष्मण से घूर के देखा। अब अच्छा आई अच्छा बोल कहे तो घूर के देखा। अब आओ न देखिन ता मुल्कासुर कह लक्ष्मण तोहरे इंतजार रहे। अब बाबू अब ओ समय बाणों की बौछार दोनों तरफ से होने लगी। मार सब कहना बा कैसन बड़ी पुरान गीत बा। कहा गया कि पुरान चीज में बड़ा दम होता, पुरान चीज सब दिन नवा चीज नव दिन। हम बिना नया का पुरान होबो नहीं करत है। बात सही कहत हुआ कि पुरान चीज में बड़ा दम होता। अब मान ला जैसे पुरान चाउर होइया, पुरानिया दादा लोग बताए हैं कि पुरान चाउर अगर ये कजूरी डाला तो सहराय जाता। जैसे पुरान चाउर होइया, पुरान दाल होइया, पुरान गुड़ होइया, मान ला जैसे पुरान दारू, मान ला जैसे पुरान मेहरारू। पुरान मेहरारू को मतलब गलत नहीं कहा थे, ने पहले जमाना का बात करो थे। दाई हरे बल्कि अम्मा हरे जो आज भी जियत थे उनसी लोग से पूछा, लेकिन जमाना फिर से वापस होत बा। पहले हिया भे दादी अम्मा हरे बाही हिया भी सियावत रही, कमीज हिया भी सियावत जेबा एडवांस लगा रहा। पहला जमाना रहे कहा कि अगर चुनी भी सेनूर दिया दादा रे 100 साल चली हैं। अब वाली बगलिया दे ले हैं कहीं जाए दूसरे किया जाए जतना लंबा सिंदूर मैंने तोहार वाली की है बका तोहार वाली बीच में देते इनके वाली बीच में देते हमार और तो एक बीच तक डकाई देते पूरा अच्छा इनके वाली डकाई देते पूरा मुड़ो में डकाई देते ज्यादा जी। अब तू बहुत महान होगा लेकिन वो सब नहान नहीं है। मैंने तू नहाई के आई है कि नहीं। अच्छा चलो पुरान चीज में बड़ा दम्बा, पुरान गीत में बड़ा दम्बा। अब आजकल के नवा गाना चला, पहले फिल्मी दुनिया वालों एक गाना निकाले थे कि लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। कितने दिन मर गए कोरोना खोखे से। और एक गाना और आई रहे कि साजन मेरा उस पार है, 6 महीने से शुगर बीमार है शुगर की वजह से। अच्छा तोरे भा है? हमरे तो होई के ढेर भा 450 है। तब बेचारा दम बनाए बा। गाना फिल्मी दुनिया वालों ने बड़ा बढ़िया बढ़िया गाए, आज भी सुना तो गाना वो अच्छा लागत। लेकिन भोजपुरी वालों ने कितना गंदा कर दिया। बढ़िया कह दे कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। हाई गाना यट है ये मिलते नहीं है हिंदुस्तान में, नहीं लंदन से लई है। वाह पैसा खर्च हो इतका। अच्छा तमाम गाना ऐसा निकला रहे, एक गाना निकला रहे बानी हम नहाइले आज शैंपू से। गाना रहे कैसे आ रहे बानी हम नहाइले आज शैंपू से से। मतलब बानी हम नहाइले आज शैंपू से,
आवस तारे संगे हमारे टेम्पू से, तब दूसरा सिंगर अपने कवि जी से गोचवाई लिए, भोरे भोरे घटना घट गई ले, राजा जी का टेम्पू पलट गई ले। अब देखा तीसरा वाला नकल टीप ले, गहिया बनाई गई ले पगहा से, अब तारे संगे हमर गदा। चौथा वाला कहा कि चल बच्चा, बेग भरल बटे पैसा से, अब तारा सैया हमर भैसा। पीसा भाई मसाला जम के लोढ़ा से, अब तारा सैया हमर घोड़ा से। भोरे भोरे घटना घट गई ले, राजा जी का टेम्पू पलट गई ले। भोरे भोरे घटना घट गई रे, भौज के बहिन हमसे पट गई। इसी तमाम गाना ऐसे निकला रहे, तो बोले हमार कवि जी एकदम सटीक से लहाई दी। शिव कुमार यादव और लालचंद, और ये परम आदरणीय परम श्रद्धे लालचंद प्रधान जी की ओर से सुंदर से पुष्पहार दे के सम्मान किए, 201 रुपए दे के स्वागत किए। एक स्वर में सब भैया लोगन की प्रणाम बा। तबला कवि जी एक गाना सटीक लिख दी है। हाँ हमरे कवि जी, पानी भरल बटे मटक में, प्यार कर सैया हमर झटक में। और गाना आयरन भतार संग का कइलू। हाँ गाना निकला रहे, कैसे ये फिल्मी दुनिया वालों ने गाए थे, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो न तुम आंख चुराए हमें, क्या हो गया क्या हो गया। यही पे गनवाई लिख दी हूँ, लेकिन कोनो बात नहीं, कहा गया कि जहाँ न पहुँचे कभी हुआ पहुँचे, जहाँ न पहुँचे रवि हुआ पहुँचे कभी। कभी की खोज है, कभी अगर कोनो गीत लिखा थी तो दो भाव हो थो, सटीक लगा वाले कहीं भी लगा सकत थी। लेकिन कहना बा बड़ी पुरान गीत बा, एके दादा लोग गावे हैं, कैसे गावे हैं? बाली उमर कमर लचिकनिया, बाली उमर कमर लचिकनिया, गोरी अखी चैनी हुर के पनिया, गोरी के झूलई झूलनिया। और ये परम आदरणीय परम श्रद्धे आप बड़े भैया दिनेश कुमार यादव, जिनके दरवाजे पे जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, सुंदर से पुष्पहार दे के सम्मान किया आप बड़े भैया, 201 रुपए दे के स्वागत किए। एक सौ में सब भैया लोगों की प्रणाम बा। मालिक करे आपको परिवार हमेशा खुशहाल रहे, आपका भंडार हमेशा भरा रहे। लेकिन नहीं भाव में कहना मैं बिरहा में गौर कराया भैया, होश में जब मुल्का सुर के तरफ और लक्ष्मण की तरफ राम की तरफ बाणों की बौछार जब चलने लगी, उस समय होत का बा, सन 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 के समुद्र में बढ़वा, रण में मची गवा घम सनवा, आगे का सुना कथन मना। मुल्क
यो धर्रा मादल को फेका प्रभु जी पूछा भी बीजर सबेदा और सभी रंग का भाव नहीं देखा ब्रह्मा जी दिहले वरदनवा मर्द कर है नहीं मर्दनवा नारी करी बधन बना ऐसन बना ए बेचारू पीटत है बहा मरा चमड़ा जिंदा कब होए का तू जिंदा बजावत हुआ हा बाबा लेट लागी हमने उम्मीद नहीं भाई इतना जब पीटत हुवन ए करताल लेके से हिलावत हैन बेचारा जब मेहनत करत बा करताल लेके अगर हिलावत हैन बा हिलावत है लेकिन गिरावत नहीं है मैकवा हो गिरा तो दियन बा बेचारा मेहनत करबा सो भैया अरे तो हम पड़ोसे कहीं लेकिन एक बात बा करताल अगर भोग दे होते ना बा ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन हो गया नहीं मालिक करो इसे ना हुई बा सारे चाहत है मनावत है लेकिन ए भैया बा सन 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 के समर में बलवा रण में मची गवा हम सनवा आगे का सुना कथनवा ना मुल्का सुर के अब बल देखा रामा दल को फेंका प्रभु जी पूछे विभीषण से बेदा ऐसा वीर कभौ नहीं देखा ब्रह्मा जी दिहले वरदनवा मर्द करिए नहीं मैदनवा नारी करी बधनवा ना ओ समय जब बाणों की बौछार चलने लगी यहाँ से पूरी ताकत लक्ष्मण राम पूरी बांद्री सेना भरत शत्रुधन सब लग गए लेकिन वहां से मुल्का सुर अकेले पूरा ताकत दिखा दिए सबसे पहले शत्रुधन दौड़न शत्रुधन जब दौड़न तो मुल्का सुर को है कि तू तो लड़ाई में नहीं रहे उनका तो न चाहे कि कई बार फेंक दिए तो जाए कि गिरे चार दस कदम दूरी पे भरत दौड़े भरताओं की नचाए के एकदम कहाँ तो तू लड़ाई में नहीं रहा और नहू को फाइन दे दाई के 20 कदम दूरी करें आ जब यार बजरंगी दौड़न गादा लेके कहे जय श्री राम तब बजरंग बली की पूछिए पकड़े लड़की वाली बजरंग बली की पूछिए पकड़े मुल्का सुर का यही पूछ आग लगाए यही पूछ आग लगाए रही पुछिया पकड़ा ही जई बार नचावे तई दाई पुछिया बाढ़ ही जाए जई दाई मुल्का सुर पुछिया पकड़ के नचावे तई दाई पुछिया बाढ़ जाए बाढ़त बाढ़त हनुमान जी ढुनगुनिया खाई लागे कहां राम जी बचावे प्रभु जी बचावे आ राम का करई कहां यही पूछ आग लगा रही यही पूछ आग लगा रही घट हनुमान जी के तो पकड़ के पुछिया फाइन देन जाई के ढेर दूर गए यही बना रहा 20 कोस आगे गिरे लक्ष्मण का देखा नहीं गवा लक्ष्मण जी दौड़न कहन बजरंग बली की दशा हमरे रहते हुए लक्ष्मण भी दौड़े लक्ष्मण जी तही काख हम दबाई ली है कहे तू ही लक्ष्मण हो तू ही लक्ष्मण हटे तू ही मेघनाथ कुमारा सूप नखा के नाग काटे ओ नहू के 10 बार नचाइस फेंक दिएस बचेन राम राम जी जब देखें कि लक्ष्मण का दशा नहीं देख गवा भरत की देख नहीं गवा शत्रुधन की बजरंग बली की नहीं देख गवा तो राम दोनों कहे ने मुल्का सुर सहोलिया से बात करो सहोलिया से बात करो और युद्ध हमसे करो लगन बाण चलावो
बाड़े को काम नहीं की तब आई गई हाथे में लिहेस का खाऊं दबाई पहले खूब दवाई के याद करो रावण कमर में इतना बुरा दाब दस पियर की माटी फेंक रावण को मारा कुंभकर्ण को मारा मारा पूरी लंका साफ कोई दिया अब विभीषण जी लखते हैं कि अब प्रभु जी को बचाओ देखिए बच्चा कहा मार पूरी बात सुनबई नहीं बहन जब दबाएस तो नहु कचरा पकड़ के खूब नचाएस नचाए के बाद विभीषण जी दौड़न विभीषण जी कहें कि तू ही तो सबसे ज्यादा है तू तो झगड़ा लगवाया तोहका तो हम छोड़ा बना तोहका तो हम छोड़ा बना तो नहु के नचाए के फाइ दिया तो नहु कमर टेढ़ हो गई कहें तोहका तो बाद में ले पहले राम को ले खबर तब राम को नचाई को फोंक दिए जा कि आधे अयोध्या भी गिरेन अयोध्या में गिरेन तब राम सोचे कि इतना बाण चलाए पूरी शक्ति लगाई दे पूरा ब्रह्मांड अवाक है देवी देवता परेशान है प्रियांशु प्रियांशी धनकपुर परम आदरणीय परम शुद्ध प्रियांशु प्रियांशी धनकपुर की धरती से 50 रुपए दे की सम्मान के ईश्वर मिश्र भैया लोग इनकी प्रांबा श्री राम जी सोचे कि एको बाण काम नहीं करत बा बुद्धि काम नहीं लागत बा बड़ा शक्तिशाली बा विभीषण से कुल पूछे कि कुल बतिया बताया हमके ई कैसे मरत नहीं खे विभीषण जी कहा कि प्रभु अब अगर उसी भीड़ बा तो मराई जाइबा कहे कैसे कहे हमार पूरी बात सुनबे नहीं भैया पहले से नहीं सजाए के चल दिया कहे हमार बात सुना जब मूर नक्षत्र में पैदा हुआ था मधुमक्खियों ने सह पाल की इसके बड़ा करी लगभग 12-13 बरस के जब भइल थी ब्रह्मा का तपस्या करे लाग जब ब्रह्मा का तपस्या किया ब्रह्मा ने भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और इसको वरदान दे दिए मुल्कासुर को वरदान दे दिए ब्रह्मा जी की जाओ मुल्कासुर मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ मैं तुमको वरदान देता हूँ कि मर्द तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा कितना भी शक्तिशाली हो कौनो भी मर्द आ जाए पुरुष आ जाए तोहका मार के ना जाए पाई ताप के मारी आखरी बातों बताए अगर तुहार मौत होई तुहार मरण होई तो एक स्त्री के हाथों होई विभीषण जी के छोटी बच्ची प्रमादड़ी पुरम सदे प्रियांशी दिव्यांशी चमरूपुर की धरती से क्यों पे देखी सम्मान के ईश्वर मिश्र भैया लोग इनके प्रांबा विभीषण जी की कुलबतिया सुन के राम बजरंग बली की बोलवान बजरंग बली टेढ़े टेढ़े कहें जय श्री राम कहें बस करा जा संदेश लेके जा अयोध्या में अयोध्या में जब संदेश लेके गए सीता जी माई अखियम उनकी कुल देखा थो संदेश पहुंचते मान माई सीता क्रोध में आ गई खालिसपुर की धरती से आप बड़े भैया श्री रमाकांत यादव 101 रुपए दे की सम्मान के ईश्वर मिश्र जनता जनादर के पड़ाम्बा अब यह भैया वो समय बजरंग बली की संदेश सुनकर मई सीता क्रोध में आके अग्नि ज्वाला काली चंडी का रूप लेकर आज लंका की ओर चलती है मार सब कहना बा आला के भाव में
से सुन के माई सीता काली चंडी का रूप लेकर, काली चंडी का रूप लेकर आज लंका की ओर सिधारती है, हाथ में कटार खप्पर लेकर। ओ समय मुल्कासुर के मारे बदे वध करे बदे कोई संचलन मार सब आखरी भाव में कहना बा। पुरनिया दादा लोग का है अरे या बना मिली ए दादा या बना मिली ये पंचुआ बना मिली नेनुआ के तारा तारी नेनुआ के तरकारी अब ना मिली, देसी घी का छोहारी अब ना मिली। परम आदुली परम शुद्धे आप बड़े भैया सुनील कुमार यादव 101 रुपए दे की सम्मान की एक सुरमिश भैया लोगन के प्रणाम बा। कहे नेनुआ का तरकारी अब ना मिली, देसी घी का छोहारी अब ना मिली, और बतान की मोट कुहिरा गड़ारी अब ना मिली। देसी घी वाली कहे ना मिली, मिली सब मिली लेकिन एक चीज ना मिली। कहा ना मिली, गौर करिहा अरे या बना मिली ए दादा या बना मिली ये पंचुआ बना मिली जे कई मर गई महातारी या बना मिली परम आदरणीय परम श्रद्धे सुनील भैया के मामी जी की तरफ से, अच्छा दरोगा भैया के मम्मी जी की तरफ से, अच्छा तुम्हारी नानी की तरफ से, अच्छा दयालपुर की धरती से 51 रुपए दे की सम्मान की आशीर्वाद की कामना ईश्वर मिश्र भैया लोगन के प्रणाम बा। जे कई मर गई महातारी अब ना मिली, महातारी ने ना ही इस मृत्यु लोक के धरती पे जो आया है मूल धन माई बाप भाई बहन जे भी आए बा, जो इस दुनिया से एक बार चला जाएगा वो कभी इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। और या बड़े भैया श्री लाल जी यादव कहाँ से, गोमदापुर की धरती से 50 रुपए दे की सम्मान किए गुलाब चंद यादव आप बड़े भैया जी की ओर से बहुत सारा रुपया का सम्मान ईश्वर में सब भैया लोगन की पड़ाम्बा। लेकिन हो समय मुल्कासुर के मारे बदे माई सीता काली का रूप लेकर कैसे चली मार सब कहना बा। कूदी जंग भूमि में, कूदी जंग भूमि में देवलोक में ताली बज गई, सीता मैया ली है कटारी खप्पर वाली ही बन गई। कूदी जंग भूमि में देवलोक में ताली बज गई, सीता मैया ली है कटारी खप्पर वाली बन गई। लंका में जब पहुंची मुल्कासुर के दहाड़ की कहने लगी ओ मुल्कासुर
मर्दों से क्या मुकाबला करता है, युद्ध करता है, एक स्त्री से युद्ध करके देख। जब एक स्त्री को देखलन माई काली का रूप लेके जब देखलन तो मुल्का सुर 10 कदम पीछे हट गया, कहने लगा समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। और समय होत कबा मुल्का सुर राक्षस के काईली बधना देवता बरसावे देवा लोक से सुमना अरे अपने भक्त के कारण मैया काली बन गई, सीता मैया ली है कटारी खप्पर वाली बन गई। सीता मैया लिहे कटारी खप्पर वाली बन गई, अपने भक्त के कारण मैया काली बन गई। सीता मैया लिहे कटारी खप्पर वाली बन गई, माई सीता काली चंडी का रूप लेकर हाथ में कटार खप्पर लेके मुल्कासुर के एक एक गर्दन काटते गई, लहू को पीते गई। जय गर्दन गिरत रहे तय फूल बन जात रहे, मतलब 100 गर्दन मुल्कासुर के था, 100 गर्दन काटी 100 गर्दन धरती पे गिरा 100 फूल बना, 100 फूल बना। उ फूल का नाम रहे श्वेत कमल, श्वेत कमल। और शरीरिया ही जोन रहे जाय के वृंदावन में गिरा, एक कदम का पेड़ बन गया। उहाय फूल 100 फूल द्वापर युग में द्रौपदी दुर्गा माई के सिंगार के रूप में रोज आना, एक फूल चढ़ाया करती थी, मतलब 100 फूल चढ़ाई भक्ति श्रद्धा के साथ। माई दुर्गा एक दिन प्रकट हुई, द्रौपदी की भक्ति से प्रकट प्रसन्न हो के प्रकट जब हुई माई दुर्गा, कहा द्रौपदी से कि द्रौपदी बिटिया कुछ मांग लो वरदान, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। द्रौपदी हंस की कहा कि हे माई हम का मांगी, आपकी इच्छा जवन हुई इच्छा से दे दा। दुर्गा माई तो भाई वरदान दीन कि जा हमार वरदान बा कि आवे वाले समय में पांचों पांडव की पत्नी बनोगी। अब इस शरीरिया जोन वृंदावन में जाए कि गिरा रहे कदम का पेड़ बना रहे, द्वापर युग में वही कन्हैया उस कदम के पेड़ पर डाल पर बैठकर बंसी बजा रही थी, सारी गोपियां उसी पे झूला डालकर झूल रही थी। यही सी कहानी की खत्म बा। कहना बा अशोक कुमार यादव बाजितपुर, आप बड़े भैया श्री अशोक कुमार यादव बाजितपुर की धरती से 101 रुपए दे के सम्मान के ईश्वर मिश्र भैया लोगन के प्रणाम बा। आखिरी भाव में कहना बा कैसन बुदुल राम पंधारी कहते धन प्रभु की माया, राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे मात की छाया। अरे गिरानी आई मोरी नागरी, अरे गिरानी ओ गिरानी आई मोरी नागरी, कहीं सोना सुहानी रते हाँ कहीं भवानी, गिरानी आई मोरी नागरी। लगा नजर,
जरा जो झूम के आई मुझे झूम के छाने लगा नशा दीवाना दिल हुआ दीवाना और यहाँ बड़े भैया लालचंद प्रधान खालिस्पुर की धरती से 101 रुपए दे की सम्मान के भाव को समझते हुए एक स्वर में सब भैया लोगन के प्रणाम बा जिंदगी कीमत हान लेती है